हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही किचन। मैं हूँ स्मृति और आज हम बनाने वाले हैं माउथ वाटरिंग केसर छेना पेड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही माउथ वाटरिंग बनती है। खाने में मज़ा आ जाता है। त्योहारों का सीजन है, बाहर की मिठाइयों को अवॉइड कीजिए और इस तरह की मिठाइयाँ घर पर बनाइए, ताकि किसी को भी यकीन ना हो कि आपने इसे घर में बनाया है, मार्केट से नहीं लाया है। तो इसे घर में बनाइए और बहुत ही टेस्टी मिठाई इंजॉय कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगा कर तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर दूध की छेना। ये मैंने छेना निकाल लिया है दूध को विनेगर के साथ फाड़ के, और फिर मैंने इसे छेना निकाल लिया। अगर आपको छेना निकालने की विधि नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मेरी वीडियो चेक कर लीजिए। मैंने रसगुल्ले बनाए हुए तो उसमें मैंने छेना की पूरी विधि बताई हुई है। बट अगर फिर भी आपको मेरे छेना बनाना नहीं आता तो आपको 1 लीटर नॉर्मल दूध लेना है, जिसे बॉयल कर देना है। जब दूध हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसको में विनेगर या आप लेमन जूस डालकर उसे तब तक डालेंगे, 1-1 चम्मच डालिए, और तब तक डालेंगे जब तक कि दूध और पानी अलग ना हो जाए। और फिर उसको छन्नी से छान कर और किसी कपड़े में हैंग करके रख दीजिए, और आपको इस तरह का छेना मिलकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम छेना को अच्छे से मैश करेंगे जब तक कि बिल्कुल ये सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, इस तरह से हथेली की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे। लगभग 5 मिनट लगेगा इसको मैश करने में। हाथों की हेल्प से इस तरह से मैश करेंगे तो बिल्कुल ये एक सिमट कर एक सार आ जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो छेने की जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस पनीर को अच्छे से क्रम्बल करें और उसमें 1 चम्मच मैदे का यूज़ कर लें। लगभग 5 से 7 मिनट इसको मैश करना पड़ेगा। 5 से 7 मिनट में देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। क्या शाइन है कि ये होकर तैयार हो गया। तो देखिए, जब आप हाथ देखेंगे ना तो हथेली बिल्कुल क्लीन निकलेगी और चिकनाई लगेगी। प्लेट भी बिल्कुल चिकनी लग रही है, दैट मीन्स जब ये हल्का हल्का चिकना हो जाए, घी छोड़ने लगे, इसका मतलब है कि ये डन हो गया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने इस जो हमने छेना तैयार किया था उसको अच्छे से हमने इसके अंदर इस तरह से क्रम्बल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमको लेना है सिर्फ 2 टेबल स्पून, वो भी 2 छोटे चम्मच से लिया है मैंने, 2 छोटे चम्मच। बहुत लाइट शुगर हमने अभी डालना है। आगे हम शुगर के लिए क्या डालेंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, अब मैंने गैस ऑन कर लिया, और गैस ऑन करने के बाद ना मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। गैस का फ्लेम हमने लो कर लिया है, और लो फ्लेम पे इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि हमने जो शुगर डाला है ना वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। इसके शुगर के दाने जब तक दिख रहा है तब तक आपको इसे अच्छे से मैश करना है। बहुत अच्छे से मैश कर करके बहुत अच्छे से सॉफ्ट डो जैसा बन जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी ये मिठाई बनकर आती है, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगे। देखिए, ये अब बिल्कुल जो शुगर थी ना वो इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब देखिए ये इस तरह का बन गया है, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है ना, बिल्कुल भी ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपने इस पर छेना डाला है। मतलब छेना को जो मैश कर देंगे ना तब उसका जो एक दानेदार टेक्सचर होता है ना वो नहीं रहेगा इसमें, बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट टेक्सचर बन के आएगा। हम इसके अंदर स्वीटनेस देने के लिए अमूल का मिठाई मेट यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप चाहें तो दूध का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। बट जब मिल्क पाउडर या दूध यूज़ कर रहे हो तो शुगर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। मिठाई में ऑलरेडी मिठास होती है, ऑलरेडी इसके अंदर शुगर होता है, तो हमने इसके अंदर और शुगर ऐड नहीं किया। हमने 1 लीटर छेना के हिसाब से 1 बड़ा चम्मच मिठाई में यूज़ किया है। इतना मिठास आपके मिठाई के लिए इनफ है। अगर आप और मीठा खाना पसंद करते हैं तो और चीनी डाल सकते हैं। और इसे अब इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि अगेन ये वैसा ही ना बन जाए जैसा पहले था। देखिए, वैसा ही बन गया। अब मैंने इसे फ्लेवर देने के लिए इसमें 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें केसरिया कलर लाने के लिए 1/2 पिंच चाहिए, 1/2 पिंच मैंने येलो फूड कलर का यूज़ किया है। इसे मैंने हल्का सा वाटर या दूध के साथ आप इसको हल्का सा घोल लेंगे और इसके अंदर आप ये येलो फूड कलर यूज़ करें। खाली ये कलर के लिए, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके जो ये पेड़े हैं वो वाइट बनकर आएंगे बस। अब हम इसके अंदर केसर का एसेंस यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल केसर को दूध में भिगोकर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 7 से 8 बूंद केसर एसेंस का यूज़ किया है, और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे अगेन 2 से 3 मिनट पकाएंगे, और हमारा जो ये मिक्सचर है ये मिक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने गैस के फ्लेम को कर लिया है ऑफ़, और इसे कर लेंगे कम्प्लीटली ठंडा। तो चलिए, इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे हमने ठंडा कर लिया। देखिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। आपको जैसे शेप के पसंद हो वैसे शेप के बनाएं। देखिए, मैं हल्का सा हाथों को पहले घी से ग्रीस करूंगी,
और आपको जिस साइज के बनाने हो उतनी लोई ले ले। आपको तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, ये बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ बनता है। देखिए इस तरह से राउंड शेप देखिए, और बीच से हमने हल्का सा इसे अंगूठे से प्रेस कर दिया है। देखिए मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, जितना बड़ा आपको बनाना हो उतने साइज का आप इसमें से लोई निकालेंगे और इस तरह से राउंड शेप करके इस तरह से हमने साड़ी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे आप अपनी पसंद से गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने इसे थोड़े से पिस्ता के कतरन के साथ गार्निश किया है, बस लुक वाइज अच्छा लगता है इसलिए, वरना ये इतना फ्लेवरफुल है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे ज़रूर बनाइएगा, त्यौहार का सीज़न है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर आएगी, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है और बहुत ही यमी है और हाइजीनिक भी बहुत ज़्यादा है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है और बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे माउथ वाटरिंग टेस्टी पेड़े की रेसिपी कैसी लगे। और देखिए बहुत ही सस्ते में बहुत ही कम मेहनत के साथ हमारे ये 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगने वाला है, बस इसमें आपका ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए देखने में लग रहा है ना बिल्कुल यमी सा डिलीशियस, बिल्कुल ही दूध पेड़ा से बिल्कुल अलग, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आता है इसका और खाने में ना जिसको खिलाएंगे उस बस मज़ा आ जाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thank you. Thanks for watching.